हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी होम वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं DMRC रिजल्ट 2020 ठीक है DMRC से लेकर बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। तो आज के क्रम में दोस्तों रिजल्ट आया हुआ है ठीक है JEE कांटेड सिविल का रिजल्ट आज की डेट में आया हुआ है। इसके अलावा हम दोस्तों चलते हैं ऑफिशियल साइट पर, देखते हैं कि आज की डेट में और किस किस कैटेगरी का रिजल्ट आया हुआ है ठीक है। इसके पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट आते हैं हम ऑफिशियल साइट पर ठीक है। चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। दोस्तों हम DMRC की ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं ठीक है। ये ऑफिशियल साइट है DMRC की, आप देख सकते हैं। ऐसे नीचे चलते हैं हम ठीक है। ऐसे आप नीचे आइए, कैरियर में चल रहे हैं नीचे, तो आप आइए नीचे। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये हमारा एडवर्टाइज है ठीक है, DMHR रिक्वायरमेंट 2019 का ठीक है। तो इसी क्रम दोस्तों चलते हैं, देखते हैं आज के डेट में किस कैटेगरी का रिजल्ट आया हुआ है, किस पोस्ट का रिजल्ट आया हुआ ठीक है। तो आप देखिए नीचे दोस्तों आज की डेट में रिजल्ट आया किसका, JEE सिविल कॉन्ट्रैक्ट CBT रिजल्ट फॉर DB एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम डाउनलोड करते हैं दोस्तों। ओनली वन सेकेंड, रिजल्ट डाउनलोड हो रहा है ठीक है। देखिए डाउनलोड भी हो गया और रिजल्ट ओपन भी हो गया ठीक है। देखिए दोस्तों आज के डेट में रिजल्ट आया हुआ, आज की डेट कितनी है, 8 मई 2020 ठीक है। 8 मई 2020 के डेट में रिजल्ट आया हुआ है ठीक है। ये हमारा किसका रिजल्ट है आप देख लेते हैं। तो नोटिस में क्या दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एंड प्री अपॉइंटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन ठीक है, DB और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिजल्ट है ठीक है। तो पोस्ट कैटेगरी है नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 2 ईयर ठीक है। 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिजल्ट है। SC NE 03 पोस्ट कोड जो इसका है CNE 03 है। पोस्ट कोड JEE सिविल का है ठीक है। इसका CBT एग्जाम हुआ था 26 फरवरी 2020 को ठीक है। तो टोटल अपेयर कैंडिडेट थे इसमें कितने, अपेयर कैंडिडेट थे 3,949 ठीक है। इतने कैंडिडेट अपेयर थे और टोटल ठीक है पास कैंडिडेट कितने हैं, 139। तो 139 कैंडिडेट पास हैं ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी मेरिट कितना गई है ठीक है। इसकी मेरिट के बारे में हम देख लेते हैं, सीधा आते हैं मेरिट पे, क्योंकि मेन कट ऑफ है दोस्तों, कट ऑफ कितनी गई है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ठीक है। दोस्तों आ गए हम इसकी कट ऑफ पे, तो हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर की कट ऑफ गई है आउट ऑफ 80 में UR की कट ऑफ गई है 44.479 ठीक है। ये हमारे UR की कट ऑफ है। इसके अलावा आउट ऑफ 100 में गई है हमारे 57.317। EWS की गई है 37.887 एंड आउट ऑफ 100 में गई है 52.939 ठीक है। OBC की बात कर लेते हैं, तो OBC कट ऑफ गई है आउट ऑफ 80 में 41.730 एंड आउट ऑफ 100 में गई है 56.921 ठीक है। इसके अलावा हम SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 36.109। इसके अलावा आउट ऑफ 100 में गई है 50.052 ठीक है। ST कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो ST गई है 29.675 दोस्तों। देखिए ST कट ऑफ बहुत कम गई है आउट ऑफ 80 में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आउट ऑफ 100 में कितनी गई, 41.864 बहुत कम है दोस्तों, 41% ठीक है। इसके अलावा ये एक सर्विस मैन की बात कर लेते हैं OBC की, तो 28.793 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 80 में। आउट ऑफ 100 में कोई कट ऑफ ही नहीं बनी ठीक है। तो ये रहा दोस्तों JEE सिविल कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट ठीक है। तो काफ़ी दिनों बाद रिजल्ट की जो सीरीज थी, हर वीक एक रिजल्ट दे रहा था, तो वीक में काफ़ी दिनों के बाद एक रिजल्ट आया ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक कोई रिजल्ट नहीं आया था, तो इस वीक एक रिजल्ट दे दिया है ठीक है। इसी क्रम में आशा करते हैं कि अभी जो हमारे रिजल्ट बाकी हैं, 10 से 12 पोस्ट के रिजल्ट बाकी हैं ठीक है, उसमें खासकर EM मेंटेनर क्या है ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मेंटेनर का रिजल्ट बाकी है, CRA का रिजल्ट बाकी है ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट का है, स्टोर असिस्टेंट का है ठीक है, इन सभी के रिजल्ट बाकी हैं। तो एक आशा व्यक्त की जाती है कि अब रिजल्ट स्टार्ट हो गया आना ठीक है। तो मंडे से लेकर ट्यूजडे के बीच में, मंडे से ट्यूजडे के बीच में हो सकता है कि आपको अदर पोस्ट के रिजल्ट देखने को मिले ठीक है। दोस्तों यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हम DMRC से जुड़ी हर जानकारी को आपको सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर देते हैं ठीक है। दोस्तों बाकी जो अदर रिजल्ट हैं, CRA का हो गया, मेंटेनर का हो गया, उस सब के रिजल्ट जैसे आएगा वैसे हम अपलोड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।